हेलो दोस्तों, स्टडी GQ में आपका स्वागत है। आज हम एक नए इडियम्स की तरफ आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन होंगे। काफ़ी मतलब अच्छे हाई फ्रीक्वेंसी के इडियम्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बोथ सीट्स इन द विंड, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि दोनों तरफ से, मतलब जैसे हवाएं चल रही हों, ठीक है, दोनों तरफ से आप घिरे हुए हैं, ठीक है, नशे से बिल्कुल चूर हैं, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेटेड मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिकेटेड का मतलब हो जाएगा आपका नशे में, ठीक है। जैसे आप इसका सिनोनिम देखें तो ड्रंकन, DRUNKEN, ड्रंकन। दूसरा इनएब्रिएटेड, ठीक है। तो मतलब कि बिल्कुल नशे में चूर रहना, ठीक है, बोथ सीट्स इन द विंड, ठीक है, बिल्कुल हवा में, जिसे नशे में चूर रहते हैं तो बिल्कुल उनको अब मतलब पता नहीं रहता कि कहाँ पे हम लोग हैं या कैसे बात कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं रहता, ठीक है, तो बिल्कुल नशे में रहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं बोथ सीट्स इन द विंड, ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटेड। नेक्स्ट ब्राइट एज अ बटन, ठीक है, ब्राइट एज अ बटन। तो अब बटन जैसे क्या है कि बटन बहुत ही क्या है, बहुत ही ब्राइट, कहते हैं ये स्कॉल मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइट मतलब बहुत ही तेज है, है ना, तो ब्राइट मतलब क्या हो जाएगा, तेज, ठीक है, तो इंटेलिजेंट है, क्विक माइंडेड है, है ना, तो ये हो जाएगा ब्राइट एज अ बटन का मतलब इंटेलिजेंट एंड क्विक माइंडेड, ठीक है, बहुत ही तेज है, ठीक है। या श्रीयुड, आप श्रीयुड एक सिनोनिम लिखना चाहें तो श्रीयुड, ठीक है, SHREWD, ठीक है, या विटी, क्विक बिट, है ना, क्विक बिटी, ठीक है, और सैवी, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, सैवी याद आ गया, सैवी, SAVVY, सैवी, और हाँ बस, ठीक है। तो ब्राइट एज अ बटन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, है ना, इंटेलिजेंट हो, क्विक माइंडेड हो, है ना। नेक्स्ट अ बुशल एंड अ पैक, देखिए बुशल के मींस क्या होता है, पहले आप ये जानिए। बुशल मतलब होता है एक लार्ज क्वांटिटी, है ना, बुशल का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी, LARGE, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी, तो बुशल मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी, जैसे मिलियन ट्रिलियन में होता नहीं है, ठीक है, तो बुशल का मतलब हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी, और पैक का मतलब भी उसी से रिलेटेड है, जैसे गैलन में मापते हैं हम लोग, है ना, तो ये भी क्या नाम है, मतलब मापने के लिए, मेजर के लिए होता है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ को हम कैसे, अ ग्रेट डील, है ना, बहुत ही बड़ी चीज़, बुशल मतलब जैसा कि मैंने बताया कि बुशल का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में। देखिए मेन क्या नाम है, idioms काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ तो है ही, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए इसके मीनिंग को अच्छे से समझिए, है ना। तो अ बुशल एंड अ पैक का मतलब क्या हो जाएगा, अ ग्रेट डील और अमाउंट, ठीक है, अ ग्रेट डील और अमाउंट। नेक्स्ट बाई एंकल एक्सप्रेस, एंकल मतलब होता क्या, एंकल मतलब जो घुटना होता है ना, घुटना, ठीक है, अच्छा ये घुटने से, घुटना से जब सही रहेगा तभी हम पैर से चल पाएंगे, है ना। तो एंकल का मतलब बाई एंकल एक्सप्रेस मतलब फुट, है ना, ऑन फुट, ठीक है, फुट के सहारे, ठीक है। बाई सैंक्स मेयर, सैंक मतलब होता क्या, सैंक का मतलब होता है फुट, है ना, टांग, ठीक है, सैंक का मतलब आप समझ सकते हैं फुट, फुट समझ सकते हैं, पाइबॉट समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें पाइबॉट, पाइबॉटल एरिया कहते नहीं, बहुत ही पाइबॉटल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना। तो बाई सैंक्स मेयर हो जाएगा बाई फुट, आप कहीं भी क्या नाम है आराम से पैर के सहारे आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, वॉकिंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा बाई सैंक्स मेयर, मतलब हो जाएगा बाई फुट या बाई वॉकिंग। बाई द नेप ऑफ नेक, बाई द नेप ऑफ द नेक क्या मतलब हो जाएगा इसका, बाई द नेप ऑफ द नेक का मतलब हो जाएगा बाई द बैक ऑफ द नेक, बाई द बैक ऑफ द नेक। तो पहले नेप की मीनिंग समझ लीजिए, नेप, है ना,
तो नेप की मीनिंग क्या होती है, आप जो गर्दन का जो मतलब नेक का जो पिछला हिस्सा होता है, कॉलर जिसे बोलते हो आप, है ना, तो उसको बोलते हैं नेप, ठीक है। तो गर्दन के पिछले हिस्से को क्या बोलेंगे, नेप, ठीक है। तो कॉलर आप बोल सकते हैं, कॉलर से आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉलर, तो कॉलर मतलब क्या हो जाएगा, आप गर्दन का जो पिछला हिस्सा होगा उसे कॉलर ही बोला जाएगा। तो बाई द नेप ऑफ द नेक मतलब आप बिल्कुल ईजी होगा, नेक का पिछला हिस्सा, इट मीन्स बाय द बैक ऑफ द नेक, ना। तो बस देखिए एक मीनिंग आपको पता है, पूरा मीनिंग आपको इजीली समझ में आ रहा है। बाय द नेप ऑफ द नेक का मतलब क्या, कि नेक मतलब गर्दन का पिछला हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये प्रोवर्ब है, ठीक है, ये आपका है प्रोवर्ब, ठीक है, ये है प्रोवर्ब, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये भी आ रहे हैं, है ना, प्रोवर्ब है, ठीक है। तो काउंट नो मैन हैप्पी टिल डाइज, अब अच्छे समझिए इसका मतलब क्या है, मतलब आदमी जब तक जिंदा है, ठीक है, तब तक उसकी खुशियाँ, ठीक है, खुशियों का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब वो मर जाएगा, जब तक वो मर नहीं जाता, ठीक है, तब तक उसकी खुशियों का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी खुशियों को नहीं गिना जाएगा, बस आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो समझ लेते हैं, ड्यू टू म्यूटेबल नेचर ऑफ हैप्पीनेस, वंस लाइफ कॉन्ट डेफिनेटली वी जज्ड एज हैप्पी अनटिल वन हैज डाइड, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि मतलब एक ऐसा क्या नाम है, पारस्परिक आप संबंध मतलब हैप्पीनेस के प्रति बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, लाइफ आपकी डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। जब तक आपकी खुशियाँ, जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपकी खुशियों को कोई भी काउंट नहीं करेगा, जब तक आप मर नहीं जाते, ठीक है, या डाई नहीं जाते, ठीक है। तो काउंट नो मैन हैप्पी टिल डाई, जिसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैंप इन द बोनडॉक्स बोनीज, बोनडॉक्स को बोनीज भी बोलते हैं, ठीक है। बोनडॉक्स का मीनिंग क्या होगा, बोनडॉक्स का मतलब हो जाएगा कि एक मतलब जहाँ सिटी से आप दूर रहते हो, फार अवे फ्रॉम सिटीज, फ्रॉम सिटीज, ठीक है। तो बोनडॉक्स, बोनडॉक्स का मीनिंग ये हो जाएगा, फिर से लिख दे रहा हूँ, फार अवे फ्रॉम सिटीज या टाउन्स, कुछ भी बोल सकते हैं, सिटीज स्लैश टाउन्स, है ना। मतलब आप किसी क्या नाम है टाउन मतलब सिटी से दूर रहें, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बोनडॉक्स या बोनीज, बोनीज का मतलब भी वही है, ठीक है, फार अवे, ठीक है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है, फार अवे मतलब रूरल एरिया आप बोल सकते हैं, रूरल, रूरल एरिया, है ना। तो बोनडॉक्स और बोनीज, इन दोनों का मतलब हो जाएगा जब आप किसी ऐसे एरिया मतलब सिटी से आप दूर रहते हो, किसी गांव एरिया में रहते हो, ठीक है, तो फार अवे फ्रॉम सिटीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, ए कैंप इन द बोनडॉक्स बोनीज, क्या हो जाएगा, फार अवे फ्रॉम अ सिटी, है ना, रूरल एरियाज में। तो बोनडॉक्स की मीनिंग यही होती है, तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत, दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कैंप इन द बोनडॉक्स का मतलब इन अ रूरल एरिया, फार अवे फ्रॉम अ सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, कांट कैरी अ ट्यून इन अ बुसेल बास्केट, जैसा कि मैंने बुसेल का मतलब क्या बताया, बुसेल बास्केट मतलब एक, बुसेल मतलब अ लार्ज क्वांटिटी, बुसेल का मतलब क्या बताया, अ लार्ज क्वांटिटी, है ना, लार्ज क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। कांट कैरी अ ट्यून इन अ बुसेल बास्केट मतलब आप एक बास्केट में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते, ठीक है, मतलब आप एक बास्केट में कोई भी चीज़ें नहीं ले जा सकते। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई मतलब जैसे सिंपल चीज़, ठीक है, कोई सिंपल चीज़ मतलब अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनएबल टू सिंग अ सिंपल मेलोडी, ठीक है, मतलब कोई सिंपल मेलोडी भी आप गाने में असमर्थ हैं, ठीक है, मतलब आप वो टैलेंट आपके अंदर है ही नहीं है, ठीक है। तो कांट कैरी अ ट्यून इन अ बुसेल बास्केट का मतलब हो जाएगा कि कोई एक ऐसा बहुत बड़ा सामान जो हो वो आप एक बास्केट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अनएबल टू सिंग अ सिंपल मेलोडी, ठीक है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं
एक छोट मतलब बहुत सिंपल गाना या मेलोडी या जो भी है वो आप सिंपल सा नहीं गा पा रहे, मतलब आपके अंदर एबिलिटी वो नहीं है, ठीक है, वो चीज़ की क्या है, लैक है, ठीक है, कमी है, ठीक है, इनएबिलिटी है। कांट से टुआ गूज, ठीक है, कांट से बू टुआ गूज। तो बू का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली ये निगेटिव वर्ड है ना, बू का मतलब घृणावाचक, जिसे घृणा होता है, जैसे जियर बोल सकते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, होट करना, है ना, होट होटिंग करते हैं, ठीक है। तो कांट से बू टुआ गूज मतलब कि किसी मतलब गूज मतलब क्या होता है, बत्तख, ठीक है। तो बत्तख को आप क्या नाम है ऐसे नहीं मतलब बोल सकते हैं ना, मतलब जैसे उसे उसके लिए आप कोई निगेटिव वर्ड नहीं बोल सकते हैं, घृणा उससे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो साई एंड नॉट टॉकेटिव मतलब वो आप जानते हैं गूज ज़्यादा बातूनी नहीं होते, है ना, तो साई एंड नॉट टॉकेटिव, ठीक है, मतलब ना तो शर्मीला है ना ही बहुत ही सही, साई मतलब शर्मीला तो है लेकिन बातचीत नहीं करता है, ठीक है। तो कांट से बू टुआ गूज, ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कांट से बू टुआ गूज मतलब साई एंड नॉट टॉकेटिव, ठीक है, शर्मीला है लेकिन वो बहुत ही बातूनी नहीं है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट वर्ड था, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके लिए मैं बहुत सारे इडियम्स ला रहा हूँ और लाऊंगा भी, ठीक है, पर डे अब लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 तो मैं पर डे ला ही रहा हूँ, और मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।